नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉचमैन के लिए मैथ के पोर्शन का एक चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि ये वॉचमैन के लिए और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए पोस्ट है, इसलिए FCI ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इससे लाभ हानि से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा के उसके बाद कंपाउंड पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बता देंगे, ठीक है। इसी क्रम में आज पार्ट वन बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, पार्ट टू तक इसको मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वॉचमैन ग्रुप डी का पोस्ट, इसलिए बहुत से हल्के हल्के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज बताऊं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का पहला ये फार्मूला आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय जो होता है वर्षों में होगा, बटे 100। ये रट लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब अगर जो मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100, फिर बटे ये दर और समय नीचे आ जाएगा, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। वहीं अगर जो मूलधन पूछा है तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 यहाँ आ जाएगा, फिर ये दर और समय नीचे आ जाएगा। यही चीज़ इधर उधर करके हमको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय वर्षों में बटे 100। और एक और चीज़ है, यहाँ पे समस्त धन का जो पूछा है तो समस्त धन बराबर मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन और ब्याज निकाल देंगे, मूलधन और ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल धन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 64 रुपया होगा। हमको फार्मूला मैंने पहले बता दिया, क्या क्या दिया है यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। 4% वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ पे दर कितना दिया है, दर हम लिख लिए 4% और वार्षिक, ठीक है। और हमारा समय कितना है, समय है 5 वर्ष। और क्या दिया है, साल ब्याज दिया है, यहाँ पे ब्याज दिया कितना दिया है, साधारण ब्याज 64 रुपया, ठीक है। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, धनराशि निकालनी है, ठीक है। मैंने बताया था फॉर्मूला आपको याद करने को, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है मूलधन निकालना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मूलधन निकालना है वाट। अब हमारा इस हिसाब से मूलधन बराबर हो जाएगा, मैंने बताया मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे, मूलधन बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे दर गुणे समय वर्ष में, ठीक है। अब सारा जो भी चीजें दी हुई हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, साधारण ब्याज हमारा 64 रुपीज है और गुणे 100 है, ठीक है, और बटे क्या दिया, दर, दर हमारा 4 दिया, समय दिया 5, ठीक है। अब हम इसको काट पीट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको हम काटेंगे, ये 4 से हमारा कट जाएगा, 4 × 4 = 2, 4 × 6 = 24 और ये 5 से काट देंगे 20, तो हम 16 × 32 हमारा आ गया 320, ये हमारा हो गया रुपया 320 रुपया मूलधन का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहले लिखते थे क्या क्या दिया है उसके बाद सॉल्व करते हैं कि 400 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर, दर बराबर 6% 4 मास, यहाँ पे समय दिया है 4 महीने दिया है, महीने दिया है तो हम इसको वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे तो 4/12 हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा, 1/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, 400 रुपये मूलधन कितना है, 400 रुपये, हम क्या निकालना है, ब्याज, ब्याज निकालना है, ठीक है, ब्याज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 400 गुणे दर, दर कितना है 6 गुणे समय, समय 1/3, 3 नीचे आ जाएगा गुणे 100, ठीक है 100, तो बस ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 और ये 0 से 0 कट गया, हमारा ये आ गया ब्याज कितना का 6%, हमारा 6 यहाँ सॉरी प्रतिशत नहीं रुपया आएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, लेकिन गलती नहीं है, कोई नहीं सही है, हमने यहाँ 450 लिखा था लेकिन हमने 400 पे सॉल्व कर दिया मूलधन मान के 400, तो मूलधन यहाँ पे हम 400 कर देते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। आपको देखना है किस तरीके से लगना है क्वेश्चन, ठीक है, तरीका समझिए और क्वेश्चन को रटना मत, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। कितने समय में 3600 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 432 हो गया, ब्याज दिया है कितना, ब्याज बराबर 432, समय दिया है, समय निकालना है, और कितने समय में 3600 रुपये मूलधन कितना दिया है,
मूलधन दिया है 3600 रुपये, और क्या दिया है, दर दिया है बराबर 6%। समय निकालना है तो हमारा क्या होता है, ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। ठीक है, अब हम इसको पुटअप कर देंगे जो भी चीज़ें दी हुई हैं। ब्याज हमारा कितना दिया है 432 गुणे 100 बटे दर कितना हमारा 6 गुणे 3600। ठीक है, ये 00 से ये हमारा कट गया और ये हमारा 36 से कट जाएगा, 36 91 36 और बचा 4 3 7 72 36 2 72 6 से ये 2, ये हमारा आ गया 2 वर्ष, समय आ गया हमारा 2 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, किस राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 3600 रुपये होगा, किस राशि पर, राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन बराबर वाट। ठीक है, हमारा क्या है, दर कितना है 3%, समय कितना है 2 वर्ष और ब्याज कितना है 3600 रुपया। तो यहाँ पे मूलधन पूछा है तो हमारा मूलधन बराबर वही फॉर्मूला होगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। एक फार्मूला याद करना, उसी फार्मूले पे सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना है 36 गुणे 100 हो गया, बटे दर हमारा कितना है 3%, और समय कितना है 2 वर्ष। तो यहाँ से हम काट देंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6 × 6 = 36, ये हमारा का 600 रुपया, 600 रुपया ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ब्याज की किस दर से कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाएंगी, ब्याज की किस दर से कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाएंगी, इसको हम सॉल्व कर देंगे। मान लेंगे कोई राशि, इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन माना, कोई राशि बराबर 100 रुपया। ठीक है, समय दिया है 16 वर्ष, और क्या है, ब्याज की किस दर से 16 वर्षों में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये राशि है तो हमारा मूलधन हमारा ये हो गया, मूलधन ये हो गया 100 रुपया, और उसके बाद राशि हो जाएगी दोगुनी हमारी हो जाएगी 16 वर्षों बाद, राशि बराबर 200। अब 16 वर्षों बाद 200 होगी लेकिन मूलधन हमारा 100 है, तो हमें ब्याज कितना मिला, ब्याज बराबर 200 - 100 बराबर हमें 100 रुपया ब्याज मिला, तो हमारा ब्याज आ गया 100 रुपया। हमें ब्याज पता हो गई, समय पता है, मूलधन पता है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या निकालना है, कोई राशि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी किस ब्याज की दर से, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर हमारा मूलधन होता है, मूलधन हमारा 100 है, 100 गुणे मूलधन गुणे दर, दर हमारा कितना, दर नहीं सॉरी यहाँ पे दर पूछा है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसे नहीं देखा, ब्याज की किस दर से कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमें ब्याज पता चल गया, तो हमें दर निकालना है, तो दर बराबर हो गया हमारा क्या हो गया, जैसे कि मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो दर बराबर हो गया हमारा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे मूलधन। साधारण ब्याज कितना हमारा, सॉरी साधारण ब्याज हमारा ब्याज कितना है 100 रुपया, 100 गुणे ये हमारा हो गया 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 100, और हमारा 100 ये समय कितना है 16, ये हम काट देंगे 100 से ये कट गया और ये हम भाग दे देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 6 × 1/4%, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलिएगा, और इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।